क्या आनंद मोहन की नजदीकियां जेडीयू के साथ बढ़ रही है? इस तस्वीर को देखिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और निमंत्रण देने पहुंचे हैं आनंद मोहन बाहुबली नेता, जो इस वक्त बेटी की सगाई को लेकर पैरोल पे बाहर है। चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि नीतीश सरकार ने एक नियम में बदलाव कर दिया, क्योंकि पहले ये नियम था कि अगर कोई लोक सेवक की हत्या करता है और अगर कोई लोक सेवक की हत्या करता है तो अगर वो अपनी सजा पूरी भी कर ले फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकता है, और अगर जेल से बाहर आना भी चाहे तो काफी जटिलताएं रहती नियमों को लेकर। लेकिन नीतीश सरकार ने एक झटके में ही उस नियम को बदल दिया और इस वक्त वो जरूर पैरोल पे बाहर हैं। लेकिन आप आनंद मोहन के चेहरे की खुशियां देख सकते हैं, साफ तौर पर वो समझ चुके हैं कि अब नियम में बदलाव कर दिया गया है, जल्द ही वो हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों से बाहर हो जाएंगे। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार या ललन सिंह आनंद मोहन पर जो है इतने मेहरबान क्यों हैं? हर कोई जानता है कि जो राजपूत समाज के लोग हैं उनमें आनंद मोहन को लेकर जो है सहानुभूति है। लगातार आनंद मोहन को रिलीज करने के लिए लगातार जो आंदोलन किया जा रहा था, और जब जब महाराणा प्रताप की जयंती पर या किसी भी क्षेत्रीय महासभा की के मौके पर नीतीश कुमार पहुंचते थे तब मंच पर ही आनंद मोहन को रिहा करो जैसे नारे लगते थे, और नीतीश कुमार सिर्फ इतना कहते थे कि आपको नहीं पता है हमारा उनका रिश्ता, वो हमारे पुराने दोस्त हैं, जब जेल गए थे तो हम मिलने भी गए थे। लेकिन कई लगातार लंबे वक्त से जो है आनंद मोहन सजा पूरी करने के बाद जेल में बंद थे, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया जिसके बाद अब ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या जेडीयू आनंद मोहन को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी, क्या उन्हें अपने तरफ करेगी ताकि राजपूत का जो वोट बैंक है वो आनंद मोहन के जरिए नीतीश कुमार के खिमे में चला आए, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त जो है समीकरण के जरिए वो कमजोर हुए हैं, लवकुश समीकरण का छिटक गया है। इसके अलावा जो है दलित वोट बैंक की बात करें तो वहां मांझी जी ने मोर्चा खोल रखा है, चिराग पासवान हमला करते ही रहते हैं, तो क्या अब उसकी भरपाई आनंद मोहन को जो है अपने तरफ करके करेंगे कि हमने आनंद मोहन को जेल से रिहा किया ताकि राजपूतों का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो। हालांकि खैर आप इस तस्वीर को देख लीजिए जहां सबसे पहले आनंद मोहन जो है निमंत्रण कार्ड देने पहुंचे वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पास, जबकि चेतन आनंद जो है इस वक्त आरजेडी कोटे से विधायक है। ऐसे आप देखते रहे भारत लाइव। आप क्या कुछ सोचते हैं राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।